अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो देखो इससे पहले मैंने आपको स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया, और उस स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो केवल दो ही पैटर्न से पूछे जाते हैं। एक पैटर्न तो ये होता है कि आपको एक रिएक्शन बता दी जाएगी और किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट बता दी जाएगी। फिर जो भी अदर रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए मैंने आपको एक आईएसओ इक्विवेलेंट लॉ बताया, और उस इक्विवेलेंट के बेस पर हम जो गिवन अमाउंट है या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो गिवन अमाउंट है उसको हम एक इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं, और उस इक्विवेलेंट के बेस पर बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं रिएक्शन के उन सब की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो पैटर्न मैंने पूरा बता दिया था विद क्वेश्चन। अब इसी स्टाइक्योमेट्री में जो सेकेंड टाइप का पैटर्न है वो रिलेटेड होता है किससे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट से। समझ गए ना? तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे सॉल्व करते हैं आज हम उनको जो है अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, समझ गए ना? तो हम इसको पहले स्पष्ट इस मतलब एक इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर लें कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है कि जैसे आपको कोई भी एक रिएक्शन दी है और उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं ठीक है उन सब की अमाउंट आपको बता दी गई। देखो पहला पैटर्न था कि किसी एक की अमाउंट दी गई हो तो वो पैटर्न यूज करोगे, लेकिन अगर आपको किसी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी आपको अमाउंट्स बता दी गई हैं तो ध्यान रखें वहां हमेशा स्टाइक्योमेट्री सॉल्व करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट पैटर्न का यूज करोगे। समझ गए ना? तो आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्या रिएक्शन का, तो अगर आपको रिएक्टेंट्स दे रखे हैं और उनकी अमाउंट्स बता दी गई हैं तो जिस रिएक्टेंट की जो टोटल अमाउंट है वो रिएक्शन में टोटली कंज्यूम्ड हो जाती है मतलब फिनिश हो जाती है, तो वही जो रिएक्टेंट होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ गए बच्चों कि एक रिएक्शन है उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स हैं उसमें से जो रिएक्टेंट कंप्लीटली फिनिश हो जाए मतलब उसकी टोटल अमाउंट कंज्यूम्ड हो जाए रिएक्शन में तो वही उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यही है इसकी डेफिनेशन कि रिएक्टेंट ठीक है विच टोटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, कि अगर रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम्ड हो जाता है तो वही क्या होगा इज कॉल्ड लिमिटिंग ओके रिएजेंट ऑफ रिएक्शन। ये ध्यान रखना है, समझ गए बच्चों, कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन में टोटल कंज्यूम्ड हो जाए वही रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फिर आता है एक होता है एक्सेस रिएजेंट, समझ गए ना? कि अब दूसरा क्या है इसमें, एक एक्सेस रिएजेंट। तो देखो अब जो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो गए टोटल वो तो हो गए लिमिटिंग, तो जो अदर रिएक्टेंट्स बचे या जो भी अदर रिएक्टेंट बचा उसकी जो अमाउंट बच रही है मींस वो टोटल रिएक्शन नहीं कर पा रही है तो वो रिएक्टेंट जो कि बच जाता है रिएक्शन में वही क्या कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। मतलब होगा कि रिएक्टेंट ठीक है विच लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन तो वो कहलाएगा बच्चों एक्सेस रिएजेंट। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब आप ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट है? ओके, तो हम आते हैं कि इसका डिटरमिनेशन करें आप इसको, कि डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए ना? कि आप उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करें कैसे पहचानें। तो ध्यान रखें कि इसको क्या है कि आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट में उसको कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट करना है कि उसको हम एक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे।
तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, मतलब रिएक्शन में क्या है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब के इक्विवेलेंट आप काउंट करो, समझ गए ना। और जिस रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट सबसे कम होगा, ध्यान रखें वही रिएक्शन का क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ गए मेरी, कि जिस मैं मतलब रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब के आपको इक्विवेलेंट काउंट करने हैं, और जिस रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट सबसे कम है वही रिएक्शन का क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब रिएक्टेंट। ओके, तो ये जो है रिएक्टेंट जो है, आपको यहां ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट, ठीक है, हुज लीस्ट, ठीक है, या स्मॉलेस्ट, मतलब जो है लीस्ट इक्विवेलेंट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ रिएक्शन। इतना सा ध्यान रखना है, समझ गए बच्चों, कि आपको रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट सबसे कम हो वही उस रिएक्शन का क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आता है कि इक्विवेलेंट कैसे काउंट करोगे, तो इक्विवेलेंट काउंट करने के मैं रिलेशन बता देता हूं, ठीक है, कौन कौन से रिलेशंस यूज कर सकते हैं, किस बेस पर, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको अमाउंट किस बेस पे दी है। देखो, एक तो होता है कि जब आप इक्विवेलेंट काउंट करें तो यहां होता है एन अपॉन एक्स, यह हम इस तरह से ले लें एन अपॉन, और इसको आप सिंबल ले लें, ये हो गया एक्स, यहां हो जाएगा मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, समझ गए ना। और जो एक्स है वो है स्टाइकियो मेट्रिक कॉफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट, समझ गए बच्चों, कि एक्स क्या होगा यहां पर, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और एन होगा मोल ऑफ रिएक्टेंट। एक तो इससे काउंट कर सकते हैं, या फिर हम मोल की जगह ऐसा भी तो ले सकते हैं ना, एन डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू एक्स। अब यहां बता दूं कि डब्ल्यू क्या है, ये मास ऑफ रिएक्टेंट, और जो मैंने यहां स्मॉल एम यूज किया है ये हो जाएगा उसका मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, क्यों, क्योंकि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोल, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको डब्ल्यू अपॉन ई का भी यूज कर सकते हैं, जहां ई क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी आपको स्पीसीज दे रखी है, कई बार मोलैरिटी वॉल्यूम दे रखे होते हैं, तो एम इंटू वी अपॉन 1000 इंटू एक्स, जहां एम क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन कई बार दे दिए जाते हैं सब्सटेंस के, ठीक है, और वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एमएल में लेना है, बाकी एक्स तो वही चल रहा है जो ऊपर से चला आ रहा है, एक्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या फिर नॉर्मलिटी आप ले सकते हैं इस तरह से, जहां एन क्या है, नॉर्मेलिटी। ध्यान रखें कि जब आप इक्विवेलेंट मास यूज करें या नॉर्मेलिटी यूज कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट काउंट करने के लिए आपको ए बैलेंस्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं है, केवल मोलारिटी या मोल्स इनका यूज करोगे तब आपको इक्वेशन को बैलेंस्ड करके लिखना होगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है ना, कि आप इस तरह से जो भी आपको रिएक्टेंट दे गए हैं, जो भी रिएक्टेंट्स दिए गए हैं उनके सबसे पहले आप मोल, सॉरी इक्विवेलेंट काउंट कर लो। अब इस तरह से इक्विवेलेंट काउंट करने के लिए मैंने ये रिलेशंस बता दिया आपको। अब आपको करना क्या है, हर एक रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करने हैं, जिसके इक्विवेलेंट सबसे लीस्ट हो, सबसे लोवेस्ट हो, वही रिएक्शन का क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अब हाँ, अब यहां पर ध्यान रखें कि जब आप लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर लें तो फिर हमें दो पॉइंट और कैलकुलेट करने होते हैं, मास ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं या
जो लेफ्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट हैं उनको और बता दो, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें यहाँ दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, अब हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये क्या होंगे। तो ध्यान रखें इसमें कि इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। किससे कंपेयर करना है आपको कि प्रोडक्ट का आपको इक्विवेलेंट काउंट करना है, तो उसको आपको किसके इक्वल लेना है, इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्शन करेंगे ना, उतने ही इक्विवेलेंट तो प्रोडक्ट के बनेंगे ना, मैंने ये पहले ही बता दिया है। तो आप यहां लिखते हैं एन प्रोडक्ट अपॉन उसका प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एन अपॉन एक्स, मतलब ये है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये है मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और ये उसका क्या है एक्स, क्या है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट होगा कि लेफ्ट अमाउंट ऑफ एक्सिस रिएजेंट, कि जो रिएजेंट बचा हुआ है ना एक्सिस रिएजेंट, उसकी क्या अमाउंट बची होगी। तो इसको कैसे करना है, तो ये होगा लेफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ एक्सिस रिएजेंट ओके इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, कि जो एक्सेस रिएजेंट है उसके टोटल इक्विवेलेंट कितने हैं, उसमें से माइनस करोगे, समझ गए बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताए, क्योंकि जो इक्विवेलेंट लिमिटिंग रिएजेंट के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट तो एक्सेस रिएजेंट के रिएक्शन करेंगे ना, बाकी इक्विवेलेंट तो बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, लेफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। फिर करना क्या है कि W अपॉन M इंटू एक्स ओके इज इक्वल टू, यहां पर आपको लिखना है क्या, लेफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, मतलब है ये एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट हो जाएगी ग्राम में, एम जो होगा यहां पर, ठीक है स्मॉल एम ले ले हम यहां पर, ये होगा मोलर मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, और एक्स उसका क्या होगा बच्चों, एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको मोलर मास पता है, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है, उसके लेफ्ट इक्विवेलेंट पता है, तो बची हुई अमाउंट को आप तो कैलकुलेट कर सकते हो ना इससे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, तो फिर से समझें ओके, कि लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो रिएक्शन में टोटल कंज्यूम हो जाता है, एक्सेस रिएजेंट वो है जो बच जाता है। कैसे डिटरमाइन करोगे, तो जिस रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट सबसे कम हो वही उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इक्विवेलेंट काउंट करने की रिलेशन बता दिए मैंने आपको। इसके बाद आपको प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं, वो इक्विवेलेंट लिमिटिंग रिएजेंट के बराबर होंगे। इस तरह से बराबर करके आप उनके मोल्स निकाल लो प्रोडक्ट के, फिर उसे अमाउंट में चेंज कर दोगे। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो ना, W अपॉन M प्रोडक्ट इक्वल, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यों, क्योंकि N हो गए प्रोडक्ट के मोल, तो मतलब ये प्रोडक्ट के लिए, तो इसके इक्विवेलेंट से आप इसको मास में भी चेंज कर सकते हो ओके, मोलर मास पता है। तो अब देखो एक एग्जाम्पल में आते हैं हम, और यहां तक भी समझ गए होगे कि लेफ्ट रिएजेंट क्या है, तो उसके टोटल इक्विवेलेंट आपने कितने लिए थे, उसमें से इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के माइनस कर दो, जो बचेगा वो अमाउंट किसके होंगी, एक्सेस रिएजेंट के इक्विवेलेंट आ जाएंगे, जो कि फिर हम उसे ग्राम में चेंज कर सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। एक देखो क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको, ये लिखा है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 ओके। मैंने कहा ये है हमारे पास 3 ग्राम और ये है 29 ग्राम, समझ गए ना, कि आपको हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्राम दी गई है और ऑक्सीजन जो है वो है 29 ग्राम। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है कि H2O
कितना होगा, और लेफ्ट ठीक है डब्ल्यू मतलब वेट जो है, वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, समझ गए ना, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन में पहले मोल में चेंज करें। तो हमने लिखा यहां पर 3y2, ओके, इसके मोल कितने आ गए बच्चों 1.5। ऐसे आपने लिखा 29/32, इसके मोल आ जाएंगे यहां पे, ओके, ये आएंगे 0.90। अब यहां तक आपने मोल कैलकुलेट कर लिया, फिर आपको क्या लिखना है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन एच टू अपॉन में क्या कर दोगे बच्चों उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मींस 2, और यहां पे आपने लिखा ओ टू अपॉन 1, ओके। तो जब ये करोगे तो 1.5 बाई 2 मींस 0.75, 0.90 अपॉन 1 मींस 0.90। बस अब आपको पता चल गया ना कि देखो आप यहां पे ये जो इक्विवेलेंट है ठीक है, तो H2 क्या है यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे पहचाना पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके इक्विवेलेंट कम होंगे वही उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि H2 के इक्विवेलेंट 0.75 है और O2 के हैं 0.90, यहां पर H2 एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं ठीक है, मास हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ वाटर ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पर ऐसा लिखेंगे एन एच टू ओ वाई टू, यहां देख रहे हैं आप ये हो गए मोल्स ऑफ एच टू ओ अपॉन में 2, क्यों कर दिया क्योंकि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इक्वल टू यहां पर लिखेंगे ठीक है इक्विवेलेंट ऑफ एच टू, ओके। ये भी ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या है इक्विवेलेंट ऑफ वाटर एच टू ओ, तो ये किसके इक्वल होंगे H2 के इक्विवेलेंट के इक्वल। तो हम यहां लिखेंगे NH2OY2 इज इक्वल टू 0.75, तो यहां पर NH2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0.75 इंटू 2 मींस 1.5 मोल। तो मैंने कहा वेट कितना होगा H2O का, तो मोल इज इक्वल टू ठीक है वेट में चेंज करना है तो यहां हो जाएगा मोल इंटू मॉलिकुलर मास मींस ये 18 है ठीक है। तो आपने लिखा 1.5 इंटू 18 मीन्स 27 ग्राम, इतना ग्राम वाटर हमें मिल जाएगा। समझ गए बच्चों कि वाटर की अमाउंट कितनी हो गई, ये कि WH2O जो मिलेगा हमें वो है 27 ग्राम। यहां तक क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया नहीं लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है कि लेफ्ट मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वही एक्सेस रिएजेंट है, ओके। तो क्या करना है, तो लेफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ O2 तो आप लिखेंगे 0.90 माइनस 0.75, तो ये हो गया पॉइंट ठीक है 1.5। यहां तक क्लियर है। अब आप ऐसा लिखोगे W अपॉन 32 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.15, मतलब ये है इक्विवेलेंट ऑफ O2, ओके इक्विवेलेंट में। तो W हमें कैलकुलेट करना है, तो W इज इक्वल टू 0.15 इंटू क्या कर दोगे 32। इसे सॉल्व कर लो आप कि ये कितना ग्राम बचा होगा, तो देखो आप इसको कैलकुलेट करके कि इसकी अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है कि ये कितनी बची। तो हमारे पास था 0.15 इंटू 32 ठीक है, तो ये लगभग ठीक है कितनी बच गई, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट बिल्कुल करेक्ट वैल्यू अगर हम पॉइंट इसको इक्विवेलेंट O2 के कैलकुलेट करें तो ये लगभग पॉइंट ये आ रही है अमाउंट 5.0 ग्राम। ऐसा क्यों है, और वैसे भी लगा लो ना कि आपको 29 ग्राम दी गई थी ऑक्सीजन, उसमें से 24 ग्राम यूज हो गई टू मूल वाटर, मतलब 27 ग्राम किसको प्रोड्यूस करने में वाटर, क्योंकि 27 ग्राम वाटर है तो उसमें 3 ग्राम तो हाइड्रोजन है, तो बाकी जो बच्चा 24 ग्राम वो क्या है उसमें ऑक्सीजन, तो 24 यूज हो गई 5 ग्राम बच गई, ओके। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए ना यहाँ पे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन रिएक्शन का क्या है यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपको
बहुत ही अच्छे पैटर्न से सॉल्व करने हैं। और अब देखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट और आ जाते हैं हम, इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि ये है आपके पास रिएक्शन है H2+Cl2 गिव्स 2HCl। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन 22.4 लीटर यूज हो रही है और क्लोरीन 11.2 लीटर। पूछा गया कि HCl का कितना मोल बन जाएगा, तो सबसे पहले आप NH2 कैलकुलेट कर लें। तो आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम लीटर में लें अपॉन क्या कर दें, 22.4। तो ये 22.4 अपॉन 22.4 मींस 1 मोल आ गया H2। NCl2 कैलकुलेट कर लें, 11.2 अपॉन 22.4, तो कितना आ गया बच्चों, 0.5 मोल। ओके, यहाँ पे मोल लिख दें आप इनके, तो इसके मोल हैं आपके पास 1 मोल और इसका है 0.5 मोल। ओके, इक्विवेलेंट में आ जाए 1/1 और ये है 0.5/1। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, लीस्ट मोल है ये इस, तो यहां पर जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, वो कौन हुआ बच्चों, Cl2। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बस अब हमें लिखना है NaCl(Y)2 इक्वल टू इक्विवेलेंट। ओके, किसके इक्विवेलेंट लेना है सामने आपको, इक्वल में क्या रखना है, इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट बस। तो NaCl इक्वल टू 2 × 0.5 मींस कितना मोल हो गया, 1 मोल। तो वेट में अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको ग्राम में चेंज कर दें, ठीक है, कितना ग्राम होगा ये, तो आप ऐसा लिखोगे ना कि 1 × 36.5 ग्राम, अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो 1 × 22.4 लीटर। इस तरह से सॉल्व कर लिया लिमिटिंग, बहुत इजी है ना ये मेथड। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, तो आपको रिएक्टेंट्स जितने भी रिएक्शन में यूज हो रहे हैं अगर उन सब की अमाउंट दे रखें तो आप समझ जाओ कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट का ही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, और भी देखो, और एक दो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं, इस तरह से कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट बची हुई, एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट, तो वो सब हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो उनको हम इस तरह से, तो कोई भी ऐसा दे दे, मान लो आपको ये लिखा है, नेक्स्ट मैंने ये दे दिया आपको N2+3H2 गिव्स 2NH3। ओके, यहां पर ये है मान लो आपके पास 12 ग्राम। ओके, और ये है आपके पास 56 ग्राम। अब आपसे पूछा गया है कि यहां पर अमोनिया का अमाउंट क्या बनेगा। ओके, तो सबसे पहला क्या करना है आपको, मोल में चेंज करना है, तो आपने लिखा 56/28, कितने मोल आ गए बच्चों यहां पर इसके, बताओ, 2 मोल, है ना। यहां पर आपने लिखा 12 अपॉन कितना, 2, तो ये कितने आ गए, 6 मोल। यहां तक क्लियर है आपको। फिर आप इक्विवेलेंट में चेंज करो, तो इक्विवेलेंट में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे आप, 2 अपॉन 1। ओके, तो इसके तो इक्विवेलेंट आ गए 2, और यहां लिखोगे 6y3। ओके, तो 6y3 का मतलब है 3 इसका ये है, तो ये भी कितना आ गया, 2। तो ध्यान रखें कि अगर किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं बिल्कुल इक्विवेलेंट बराबर हैं तो इनमें से किसी के भी इक्विवेलेंट को कंपेयर कर सकते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ। बात समझ गए ना, कि अगर मान लो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर आ जाएं तो दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे एन अमोनिया अपॉन 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ N2 या फिर H2। तो एन अमोनिया अपॉन 2 इज़ इक्वल टू यहां कितना लिखा, ये तो हो जाएगा NH3 इज़ इक्वल टू 2 × 2। तो इस तरह से आपने देखा कि अमोनिया के कितने मोल्स बन जाएंगे, 4 मोल। और वैसे भी देखो आप कि N2 का अगर 28 ग्राम लेते हैं तो 2 मोल अमोनिया बनते हैं, 56 ग्राम ले लिया तो 4 मोल बन जाएंगे। तो यहां तक क्लियर है कि अगर दोनों बराबर आ जाएं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप क्या मान सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, इस तरह से। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां आपको वॉल्यूम में दे रखा हो, मान लो यहां लिखा है NaOH+ और यहां लिखा है H2SO4 और रिएक्शन में है Na2SO4+ यहां क्या, H2। अब मान लो ये लिखा है 0.1 मोलर, ठीक है, 100 ml,
और यहां पर ये लिखा है 0.1 मोलर 100 ml, ये भी दे रखा है। अब पूछा जाए कि वाटर कितना बनेगा इस रिएक्शन में और कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ऊपर वाले में तो लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में से कोई नहीं था, दोनों ही लिमिटिंग है, दोनों ही इसमें, और एक्सेस में भी, एक्सेस में कुछ बचेगा नहीं, दोनों कंप्लीट कंज्यूम हो जाएंगे अमोनिया वाले में। अब हम यहां पर आ जाएं तो देखो, यहां पर जब आप NaOH के, तो पहले मोल कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो, अभी मैंने आपको मोल, एक मोल का फॉर्मूला है Mv/1000। तो Mv/1000 ये किसके लिए पहले हम ले लें, NaOH। तो आपने देखा कि 0.1 इंटू ये है हमारे पास 100/1000, तो ये आएगा 10^-2 मोल। ऐसे ही किसके मोल्स कैलकुलेट करो बच्चों, H2SO4। तो इसके लिए भी Mv/1000 और यहां आपने लिखा H2SO4, तो ये ले लिया 0.1 × 100/1000, ये हटा दो तो ये बचा 10^-2 मोल। यहां तक क्लियर है, और मैं इसको बैलेंस्ड करके लिख दूं, ठीक है। अब आप इनके दोनों के मोल्स आपको दे रखे हैं, अब आपने इसमें चेंज करो इक्विवेलेंट में, तो आप इसे लिखोगे 10^-2/2, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो इसका बचेगा वो हो जाएगा 5 × 10^-3, 1/2, ठीक है। मैंने उसे 10 में ले लिया तो हो गया 5, और यहां पर जब आओगे तो 10^-2 अपॉन में कितना रखोगे बच्चों, 1, क्योंकि H2SO4 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब आप बता सकते हैं कि किसके इक्विवेलेंट कम है और किसके इक्विवेलेंट ज्यादा है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 0.01, और यहां आओगे तो 0.005। तो यहां पर यही क्या है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। आपने NaOH के ये इक्विवेलेंट निकाल लिए, बस अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया था कि वाटर की अमाउंट बताओ, तो आप यहां लिखेंगे W/, ठीक है, 18, और इसकी बैलेंसिंग करोगे तो बैलेंसिंग में ये आ जाएगा 2H2O, ओके। तो यहां पर आप लिखेंगे इनटू 2, मतलब ये क्या हो गया, वाटर इज इक्वल टू 0.005। तो हमें W कैलकुलेट करना है, ओके, तो ये हो जाएगा 0.005 × 36, तो ये चेंज हो जाएगा आपके पास, इतने ग्राम आपका क्या मिलेगा बच्चों, वाटर। क्लियर है बिल्कुल। तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आपको करना क्या है, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना है, नॉर्मलिटी के बेस पर, मोलैरिटी के बेस पर, किसी के भी बेस पर आप ले लो, और बस उसके बेस पर जब आप उसमें अमाउंट जो है कैलकुलेट करते हैं, ग्राम में चेंज कर लो, मोल में चेंज कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, जो बड़े इजी क्वेश्चन हैं, बस आपसे क्वेश्चन अच्छी तरह से आने चाहिए। और देखो, आप कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो मैं और आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें और देखें कि कोई क्वेश्चन इजी है तो पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का है, देखो एक क्वेश्चन है कि 2 ग्राम बेस है आपके पास, 2 ग्राम बेस, ठीक है, रिक्वायर्स 100 ml 0.4 नॉर्मल एसिड, ओके। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, ये है क्वेश्चन हमारे पास, कि जो बेस है 2 ग्राम, उसको कंप्लीट न्यूट्रल करने के लिए रिक्वायर 100 ml 0.4 एसिड फॉर कंप्लीट, ओके, न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होगा, तो बस आपको तुरंत इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा देना है, W/E इज इक्वल टू Nv/1000, मतलब अगर ये बेस है तो ये क्या है बच्चों, एसिड। बस अब आपको दे रखा है देखो क्वेश्चन में कि ये W है 2, हमें E कैलकुलेट करना है, Nv तो 0.4 इंटू कितना ml लग रहा है, 100 ml अपॉन में 1000, इनको कैंसिल कर दो तो आपके पास आ जाएगा E कितना हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू, ठीक है,
तो 2 इंटू 10